नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम बात करने जा रहे हैं केसरी मूवी की। और केसरी कैसी है मूवी, अक्षय कुमार की मूवी, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। केसरी वो रंग है जो बहादुरी का प्रतीक है। अक्षय कुमार स्टारर मूवी में शानदार तरीके से 36 सिख रेजिमेंट के 21 सिख सैनिकों के पराक्रम और बलिदान को दिखाया गया है। 1897 में हुई सारागढ़ी बैटल इतिहास की सबसे बहादुर लड़ाइयों में गिनी जाती है। 21 सैनिकों का पराक्रम ऐसा था कि अंग्रेजी हुकूमत और अफगानी भी हक्के बक्के रह गए थे। केसरी के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने इस मूवी से बॉलीवुड में अपनी पारी शुरू की है। अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा की 80 करोड़ रुपए की लागत में बनी बड़े बजट की बेहतरीन पंजाबी डॉक्यूमेंट्री जैसी दिखती केसरी जो होली के मौके पर रिलीज हुई है, सिनेमाज में आ गई है, लोगों को बेहद पसंद आ रही है। अक्षय कुमार की केसरी 1897 में सारागढ़ी में लड़े गए एक ऐसे युद्ध की दास्तां है जब अफगानी किसी भी तरह से भारतीय सरजमी पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहते थे। तब भारत ब्रिटिशों के अधीन था। अफगानियों और ब्रिटिश हुकूमत के बीच जंग होती रहती है। सितंबर 1897 में अफगानियों ने प्लान बनाया कि वो सारागढ़ी के रास्ते भारत पर हमला करेंगे। एक ही दिन में सारागढ़ी किला, फिर उसके बाद गुलिस्तान किला और अंत में लोकहाट किले पर फतह करेंगे। लेकिन गुलिस्तान किले में तैनात 21 सिख सैनिकों ने अफगानियों को करारी टक्कर दी थी। गुलिस्तान किले में हवलदार ईश्वर सिंह यानी कि अक्षय कुमार के नेतृत्व में कैसे 21 सैनिकों ने अफगानियों से लोहा मांगा, बल्कि उनके छक्के छुड़ा दिए, ये सारी चीजें फिल्म में दिखाई गई है। अक्षय कुमार उन एक्ट्रेस में से शुमार है जो हर रोल को अच्छे से निभाते हैं। केसरी में अक्षय कुमार ने एक बार फिर से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। सिख सैनिक के रोल में उन्होंने शानदार काम किया है, चाहे वो कॉमिक सीन हो, इमोशनल हो, एक्शन हो या फिर अक्षय हर फ्रेम में जम गए हैं। क्लाइमेक्स के एक्शन सीन्स में अक्षय कुमार ने जिस तरह से सैकड़ों अफगानियों को पटकनी दी है वो तो काबिले तारीफ है। ऐसा लग रहा है मानो वो रोल कर नहीं रहे, वो उस रोल को जी रहे हैं। परिणीति चोपड़ा के सीन्स बेहद कम है, वे सिर्फ अक्षय कुमार के ख्यालों में आती जाती रहती हैं। फिल्म के बाकी कलाकारों ने अच्छा काम किया है। बता दें कि भारत के इतिहास के पन्नों में कहीं दफन सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में जानने के लिए इस फिल्म में और भी चीजें बहुत ज्यादा खास है। केसरी कंप्लीट एंटरटेनर फिल्म है। ये फिल्म भारतीय खास तौर पर सिख होने पर गर्व कराती है। बैकग्राउंड स्कोर हो, सिनेमेटोग्राफी हो, वीएफएक्स हो या फिर फिल्म के गाने, हर चीज परफेक्ट लग रही है इस फिल्म में। आखिरी सॉन्ग यानी कि तेरी मिट्टी इमोशनल कर देगा। क्लाइमेक्स के फाइट सीन्स रोंगटे खड़े कर देंगे। अनुराग सिंह ने कमाल का डायरेक्शन किया है। उन्होंने जिस कहानी को कहीं भी बोर नहीं होने दिया या फिर कहीं भी भटकने नहीं दिया। निर्देशक अनुराग सिंह का काम भी काबिले तारीफ है, जिन्होंने एक छोटी सी कहानी पर 2.5 घंटे की कहानी को दिखाया है और काफी अच्छे से दिखाया है। तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी और आपको इस फिल्म का जो डायरेक्शन है या फिर सिनेमेटोग्राफी है या फिर वीएफएक्स है या फिर अक्षय कुमार का अभिनय, वो कैसा लगा। अगर आप भी इस मूवी को देख चुके हैं तो आपको कैसा रिस्पॉन्स है इस मूवी के प्रति, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है इस मूवी को देखने के लिए, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।